टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ एथिकल थेरीज दैट इज़ राइट एथिक्स दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट ऑन राइट एथिक्स दैट इज़ बेस्ड ऑन एथिकल थेरीज डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट तरह के राइट्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं और कुछ स्पेसिफिक तरह की ह्यूमन राइट्स हैं जो पूरी दुनिया में कुछ कंट्रीज के लोगों को अवेलेबल होते हैं और कुछ कंट्रीज़ में लोगों को अवेलेबल नहीं होते Uh, अगर हम फेमिनिस्ट राइट्स की बात करें तो उसकी भी जो प्रिंसिपल्स और एप्लीकेशनस हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें डिफरेंट नज़र आती हैं लाइक वाइज द एनिमल राइट्स बहुत सारे कंट्रीज़ में आप एनिमल्स के साथ ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं और कुछ कंट्रीज़ में आप ट्रैवल नहीं कर सकते so of kind of world, तो वेन देर इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस इन एप्लीकेशन ऑफ काइंड ऑफ़ द राइट्स टू डिफरेंट कंट्रीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड तो वहाँ पे जब हम एथिक्स uh, की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें उस सोसाइटी के राइट्स देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन एथिकल थियोरीज बेस्ड ऑन राइट द राइट्स रेबलिश बाई द सोसाइटी आर प्रोटेक्टेड सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सोसाइटी के राइट्स क्या हैं जिसकी हम बात करें मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान में एक इस्लामिक सोसाइटी में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर आपको राइट्स ना दिए जा रहे हों लेकिन वही राइट्स जो हैं वो एक यूएस सिटीज़न को अपने कंट्री के अंदर यू एस यूनाइट स्टेट्स के अंदर अवेलेबल हूँ तो हमने अपने डिसीजन मेकिंग करते वक्त उस कंट्री के कल्चरल कॉन्टेक्ट को उस सोसाइटी की राइट एंड रॉन्ग वैल्यूज़ को लाजमी तौर पर देखना है इन रिसेंट मॉडर्न टाइम्स हम देखते हैं सोशल मीडिया पर इन बातों की बहुत ज़्यादा डिपेट्स हो रही है सो देश शुड बी सम बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स विच शुड बी फॉलोड वैल बी लुक ऑन दो ऑल दो सोशल एक्सपेरिमेंट विच इज़ गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया Secondly, when we look that the ethical principles are those which are being endorsed by large society population, so there is an एन इंटरेस्टिंग डिबेट इन टू हमारे यहाँ सोसाइटी चूंकि बहुत सारे सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो सोसाइटी के नॉम्स को किसी और तरह से वे कर रहे हैं कुछ लोग किसी और तरह से वे कर रहे हैं इस तरह की सिचुएशन के अंदर इट इज़ मोर क्रूशल फॉर रिसर्च टू सी that what code of ethics should be followed in designing any kind of particularly social experiment because uski acceptance may be kuch community ko ho or kuch community ko na ho. the right of the society should be studied in detail before uh, making the foundation of any uh, particular research individual may also bestow rights upon others if they have the ability and resources to do ना सिर्फ वो अपने राइट्स को देखे बल्कि वो दूसरों के राइट्स को भी देखें फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन में से दैट हर फ्रेंड में बोरो हर लैपटॉप फॉर वन इवनिंग अब एथिकली स्पीकिंग अगर आपने ये बात कह दी है कि जी अ, मेरी दोस्त आज रात को मेरा लैपटॉप ले सकती है तो अब शाम के बाद उसका लैपटॉप का राइट जो है इट इज़ रिजर्व टू द फ्रेंड लेकिन दूसरी तरफ यह कि अगर कोई ऐसी असाइनमेंट कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ऑफिशियल टास्क आपको ख़ुद पड़ गया और आपने भी वो लैपटॉप यूज़ करना है तो वट टू डू इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अगर हम सिर्फ एथिक के राइट के प्रिंसिपल के थ्रू देखेंगे तो इट सेज़ दैट इफ़ यू आर कमिटेड टू गिव इट टू समन इट मीन्स दैट यू आर कमिटेड टू गिव इट टू समन और उसके बाद आप उस पर उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते सो यू नो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि क्या हमारी सोसाइटी इन राइट्स को आउटवेट करती है या वो इसकी ओनरशिप को किस एंगल से देखती है तो uh, ये फाउंडेशन जो हैं इनको अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़रूरी है लुकिंग एट दिमिटेशन फर्स्ट मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस थे ऑन अ लार्जर स्केल इज दैट कि हम अपने साथ साथ रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ सोसाइटी के राइट्स की अंडरस्टैंडिंग रखते हो सेकेंडली सोसाइटी हैज़ टू डिटर्मिन वट राइट इज़ वॉन्ट टू गिव इट टू द सिटीज़न और कौन सा राइट वो अपने सिटीजन्स को नहीं देना चाहती और उस सोसाइटी की ओवरऑल uh, प्रैक्टिसेस क्या हैं उसके गोल्स क्या हैं और उसकी एथिकल प्रायोरिटीज़ क्या है ब्रीफली टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द राइट्स जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एनिमल राइट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में एनिमल के राइट्स जो हैं वो कभी कभी हमें लगता है इंसानों से भी ज़्यादा हो जाते हैं और इन हमारे यहाँ जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं इनको ऑल दो स्टेट कहती है कि इनकी क्रूलिंग uh, नहीं करनी लेकिन उनको गन छूट फायरिंग से किल कर दिया जाता है और ये प्रैक्टिस जो हैं वो बहुत कॉमनली होती हैं और उसके साथ साथ हम वॉइस भी करते रहते हैं कि जी एनिमल राइट्स के लिए हमें ऐसे स्टेप्स नहीं करने चाहिए लेकिन वेस्ट में अगर हम सोचें तो वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ डूइंग दिस हीनियर्स ट्राइब क्योंकि वहाँ पर इस चीज़ का को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम एनिमल्स को किसी भी तरह से कोई नुकसान जो है वो पहुँचा सकें तो बाई दैट इट इज़ ऑब्वियस कि सोसाइटी की थिंकिंग बहुत मैटर करती है इन डिटर्मिनिंग दैट वाट इज़ राइट एंड वाट इज़ रॉन्ग थर्ड इट इज़ वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाई हु शुड डिटर्मिन द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल बिहेवियर अदर इट इज़ द इलीट क्लास अदर इट इज़ द जरल मैसेज अदर इट इज़ दर्नरेबल ग्रुप्स अदर इट इज़ द फीमेल्स अदर इट इज़ द मेल या ये एक जर्नरल कम्यूनिटी है यह कोई रिलीजियस पर्स्पेक्टिव में रूल्स बनेंगे तो ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक सोसाइटी जो है उसमें बाय इन लार्ज जो रूल्स हैं वो किस कॉन्टेशन में बनाए जा रहे हैं देव और इन ऑर्डर टू सी द राइट Right theory to be useful, this must be used in conjunction with another ethical theory that will consistently explain the goals of society. we determine society goals positive, ethics rights' proper use be For example, in America, people have the right to choose their religion because uh, this right is upheld in the constitution. अमेरिकन प्रेजिडेंट ने ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला कि एवरी वन हेज़ द राइट टू चूज रिलीजन और अगर आप कोई रिलीजन नहीं रखना चाहते आपकी चॉइस है अगर आप क्रिस्टानिटी पे जाना चाहते हैं पे जाना चाहते हैं इस्लाम पे जाना चाहते हैं इट्स अप टू यू लेकिन हमें सोसाइटी के जो गोल्स हैं वो डिफरेंट नज़र आते हैं सोसाइटी में मे भी हमें सारे रिलिजन के लिए इक्वल एक्सेप्टेंस दिखाई ना दे रही हो या हमें दिखाई दे रही हो सो इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी दैट आइ द राइट एथिक्स Uh, theory as principle would be applicable in that situation, or it may not be appropriately uh, applicable in the whole situation.